नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको योगा फॉर बिगनर में डे 6 में ध्यान के आसनों को प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य अभ्यासी को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना है। दोस्तों ध्यान की उच्च अवस्था में अभ्यासी बिना हिले डुले बिना किसी शारीरिक पीड़ा के लंबे समय तक, जैसे वह आधे से एक घंटे तक आरामदायक स्थिति में बैठ सकता है। दोस्तों ध्यान के इन योगासनों को करने से पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को और शक्तिबंध के अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद ध्यान के इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ध्यान के आसनों में हम करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ते हुए अपने पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने रहना है। दोस्तों अगर आप बिगनर हैं और इस पद्मासना को पद्मासना को लगाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे ही अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर रहकर आपने अपने घुटने को ऐसे अप डाउन करना है, अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करना है और अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराना है। ऐसे ही इसे आप 5 to 10 टाइम्स अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको पद्मासना को लगाने में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर आपने ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने ऐसे ही एक तरफ से करने के बाद फिर आप इसे दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़कर अपने राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को मोड़कर ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पैर बदलकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ध्यान के आसनों में अब हम करेंगे वज्रासना। इसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान का इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस स्टार्ट पोज में आपने बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद अपने दूसरे पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। दोस्तों यह ध्यान का एक मुख्य आसन है। इसमें आप प्राणायाम या ध्यान को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी आंखों को सहजता से बंद करते हुए 10 से 15 मिनट इस वज्रासना को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे दोस्तों ध्यान के आसनों में अब हम करेंगे सुखासना। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाई के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, दूसरे पैर को भी ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे सुखासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों बिगनर्स के लिए यह ध्यान का एक आदर्श आसन है। जो लोग वज्रासना या पद्मासना जैसे अभ्यासों में नहीं बैठ सकते हैं, वह इस सुखासना पर सबसे पहले ऐसे ही सुखासना पर बैठकर प्राणायाम या ध्यान को प्रैक्टिस करें। ध्यान का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध पद्मासना। ऐसे ही आपने स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। जो लोग पद्मासना को प्रैक्टिस ना कर सके वह ऐसे ही अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर रहें और दूसरे पैर को ऐसे लाते हुए अपने दूसरे पैर को ऐसे राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों जिन लोगों को पद्मासना को लगाने में कठिनाई होती है, वो सबसे पहले इस अर्ध पद्मासना को लगाएं। फिर धीरे धीरे नियमित अभ्यास करने से आप एक हफ्ते में ही पद्मासना को आरामदायक स्थिति में लगा सकते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को सीधा करते हुए फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। अब
अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने के नीचे से या अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ध्यान के इन मुख्य आसनों को करने के बाद आप शिथिलीकरण क्रिया को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट जगह के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और कोशिश कीजिए कि आपके हिप्स ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस शिथिलीकरण क्रिया को प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर ऐसे अपने लेफ्ट राइट जगह के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, शिथिलीकरण की इस क्रिया को करने से हमारे पैरों में लचीलापन बढ़ता है और आप पद्मासन, वज्रासन जैसे ध्यान के अभ्यासों को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।